लोग चास के आईटीआई मोड़ में हैं। यहाँ पर सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो यहाँ आए थे और यहाँ पे उन्होंने सिंधु कानू प्रतिमा पर अपना माल्यार्पण किया है। उनका साथ देने के लिए यहाँ पर तमाम स्थानीय लोग और साथ में बोकारो के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी राजेश महतो जो हैं, जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार में अकलू राम महतो के सुपुत्र थे, उन्होंने उनकी अगुवाई की और उन्होंने अपने अगुवाई में यहाँ पर उनको सिंधु कानू प्रतिमा का माल्यार्पण कराया। और किस तरह की राजनीति आगे परिवर्तित हो रही है, इन सभी को लेकर हम लोग अमित महतो से बात करेंगे, राजेश महतो से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि बोकारो की राजनीति और पूरे झारखंड की राजनीति में किस प्रकार से इस इनके आंदोलन की तैयारी चल रही है। यदि सरकार सबके सुनते रहते तो हमें इस तरह की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती कि हम पार्टी को त्यागते, ठीक है। और बड़े भाई हेमंत जी की हम बात कर लें, क्योंकि हमने उनसे ही बात की थी। अब जगन्नाथ जी की क्या विचारधाराएं हैं, वो क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं, पता नहीं। और अब आंदोलन कितना धारदार होगा? भाषा को तो चलिए आप लोगों ने जीत लिया, अब 1932 के लिए कितना धारदार? देखिए, जीत का कोई मतलब नहीं है, ये भाषा जीतने का क्या मतलब था? उन लोगों ने हमारे ऊपर थोपा, उन लोगों ने हटा लिया, 10 चीज़ें थोपी है, 2 चीज़ें को हटा ली है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहीं ना कहीं वो तो आज भी हम सबों के ऊपर बोझ ही डाल के बैठा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बेनकाब करेंगे और ऐसे लोग जो झारखंड के होके झारखंड के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उन तमाम गद्दारों के खिलाफ में हमारा जंग ऐलान है। अमित जी, आपने जब जेएमएम ज्वाइन किया था तो कि क्या आइडियोलॉजी थी कि पार्टी ज्वाइन करें, और अब जो परिस्थिति है, क्या परिस्थिति में आपने पार्टी छोड़ा? आपकी बातों को तो हेमंत सोरेन ने मान भी लिया, उसके बाद भी आप पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी गुरुजी हैं और गुरुजी के नक्शे कदम पर हम चलेंगे। जब तक है जान हम झारखंडियों के हित में काम करेंगे, उनके लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको पहचान दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। और जब तक जिंदा है हम, हमारी माँ पार्वती की सौगंध, जब तक जिंदा है हम, और ये माटी की सौगंध कहते हैं कि जब तक जिंदा है हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हमेशा निरंतर झारखंडियों को उनका पहचान दिलाने के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे और झारखंड को मुकाम देंगे। हम लोगों ने जो आपका पत्र देखा कि लगातार आपने जो ये जो त्याग पत्र दिया है उसमें कि शराबबंदी को लेकर जो मांग थी कि गुरुजी शराबबंदी को लेकर हमेशा तत्पर रहते थे, उसके बाद सरकार जो है छत्तीसगढ़ के तर्ज पर शराब जो है घर घर बिकवाने की तैयारी कर रही है, इसके पीछे सोच रही है? खैर, ये तो हमें नहीं, वो हमारी पत्नी सीमा ने लिखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी बेहतर लिखा है, हम उसकी तारीफ करना चाहेंगे। चूँकि गुरुजी हमेशा शराबबंदी के खिलाफ रहे और आज उनके ही पुत्र बड़े भाई हेमंत जी, वो आज शराब बेचने में पता नहीं इतना मशगूल नजर आ रहे हैं कि कैसे हम बेचें। अगर 100 अगर कहीं से मुनाफा होने वाला है तो वो सोच रहे हैं 1000 रुपये किसी तरीके से मुनाफा हो जाए, उसकी चिंता में है वो। हमारे झारखंडियों की कोई चिंता नहीं है कि कैसे हमारे यहाँ के लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नियोजित कराया जाए, इसकी कोई चिंता नहीं है। कैसे हमारे यहाँ के लोगों को, खतियानदारियों को पहचान मिले, उसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैसे बाहर के लोगों को हम नियोजित करें, उसका एक तरीका अख्तियार कर रहे हैं, परंतु इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात है कि ये शराबबंदी गुरुजी हमेशा ही, इसलिए मैंने कहा कि गुरुजी हमारे आदर्श हैं, निर्मल बाबू आदर्श हैं, हम उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ेंगे। 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा आएगी क्या? अब ये तो भविष्य की बात है, जनता डिसाइड करेगी, जनता तय करेगी, जनता ही सर्वोपरि है। परंतु हम जनता की लड़ाई को, इस झारखंड की माटी की लड़ाई को, झारखंड के एक एक बेटा बेटी की लड़ाई को, जो खतियानदारी है उसकी लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। सुरेश जी, आप नहीं मान रही, सरकार नहीं मान रही है लग रहा है। गुरु जी की आदर्श देखिए, चूंकि आज गुरु जी इतने अस्वस्थ हो गए हैं कि वो कहने, चलने, फिरने में सक्षम नहीं है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है जैसा आप समझते हैं। अमित जी, आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो क्या लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जितने भी आपके जाति समुदाय के जो लोग हैं, पार्टी जो विधायक हैं, उन लोगों के पीछे आपने कहीं कुछ विशेष कर तो नहीं दिया कि आगे उनको जवाब देना पड़ेगा अपने क्षेत्र की जनता के बीच में? सर, सबसे पहले आपने जो कहा जाति समुदाय, तो मैं किसी जाति समुदाय की बात नहीं करता सर, मैं तो अभी आपको कह रहा हूँ कि खतियानदारी झारखंडी, तो जो भी खतियानदारी है, जो भी हमारे झारखंडी है, उसके हक हुकूक के लिए जहाँ जैसे भी हमें लड़ना होगा, जो रास्ता अख्तियार करना होगा, चाहे विनोद बाबू का रास्ता हो, बिरसा मुंडा का रास्ता हो, या फिर हमारे निर्मल बाबू का रास्ता हो, गुरुजी का रास्ता हो, हम उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल अमित जी आपसे, क्या लगता है कि पूरे झारखंड में जिस प्रकार से आप दौरा कर रहे हैं, क्या नई पार्टी का गठन होगा? नई पार्टी की बात मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, उलगुलान जरूर होगा और संघर्ष उस चरम तक पहुंचेगा जहां ऐसे ऐसे सरकार और ऐसे ऐसे गद्दार जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, जो कि झारखंड के हैं, और जो भी
चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, आजसू की बात कर ले, कांग्रेस और राजद की बात कर ले, वो लोग अछूते नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर कोई सत्ता में रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी वाले लोग रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को भी हम कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से ये चेताना चाहते हैं कि आप लोग समय रहते अपने कार्यशैली में सुधार ले लाएं और झारखंडियों के प्रति जो आप लोग विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, झारखंडियों को उसके हक अधिकार से वंचित करने का काम कर रहे हैं, तो ये अब नहीं चलने वाला है। जी आखिरी सवाल आपके साथ, राजेश महतो हैं पूर्व मंत्री जो झारखंड में बिहार सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने भी झारखंड की लड़ाई लड़ी और विस्थापितों का नेतृत्व करते हैं राजेश महतो, अब ये भी आपके साथ हैं, क्या कहेंगे इन सभी कैसे लोगों को लेकर आगे? जी बिल्कुल, जो भी लड़ाई, जो भी माटी की लड़ाई लड़ता है, माटी पुत्र और पुत्रियों की लड़ाई लड़ता है, हम उनको तय दिल से हम धन्यवाद देते हैं, सहृदय हम उनको स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जुझारू लोग साथ में चले, आगे बढ़े, निसंदेह झारखंड को उसका मुकाम मिलेगा, उसकी मंजिल मिलेगी, शिखर मिलेगा। राजेश महतो हैं, इन्होंने अभी जो अमित महतो हैं उनका अगुवाई किया यहाँ पर चास के आईटीआई मोड़ में सिंधु कानू में, क्या लगता है अमित जी, अमित जी को लेकर क्या तैयारी चल रही है? आपने इस हमने आंदोलन में भी देखा कि आप लगातार तैयारी कर रहे थे, जगह जगह पर आपने भी लोगों को जगाया, आज जीत मिली उसके बाद से किस चीज को लेकर अमित महतो के साथ? देखिए मैंने हमारे भाई आप के हम लोग विस्थापन नीति और नियोजन नीति ये दोनों पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अमित जी हम लोग का अगुवाई करेंगे, इस अगुवाई में हम उनका साथ रहेंगे। और आगे किस तरह की तैयारी हो रही है? नहीं लगता है कि अमित महतो ने पार्टी से इस्तीफा देकर तमाम वैसे नौजवानों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है आगे की तैयारी क्या हो सकती है? कहीं नई पार्टी का गठन, नया समीकरण झारखंड में हो भी सकता है, लेकिन आने वाला समय में हम लोग का नेता है अमित जी, आगे जैसा हम लोग का बोलेंगे हम लोग वैसा। क्या नया समीकरण बनेगा तो उस समीकरण में साथ रहेंगे? जरूर जरूर, विस्थापित का लड़ाई में और नियोजन का नीति बनने में यदि अमित जी पार्टी बनाने का यदि करेंगे तो हम उनके साथ। आपने भी विस्थापितों की लड़ाई लगी है तो क्या लगता है कि यह जो आंदोलन अमित जी कर रहे हैं यह कितना आगे जा पाएगा? एकदम आगे जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा, पूरे झारखंड में जाएगा और आने वाले दिन में यह झारखंड का भविष्य है।